बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और कल के हंगामे के बाद क्या आज फिर से सदन में अपना विरोध बीजेपी की तरफ से जताया जाएगा? आज तीसरे दिन में आज बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। विधायक दल ये तय करेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। बीजेपी के चार विधायकों का कल निलंबन हुआ था और इन विधायकों को सदन में दाखिल होने की अनुमति नहीं है। हालांकि नापक्ष लॉबी तक वो जा सकते हैं। चारों विधायक जो है रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, चंद्रभान आक्या और अविनाश गहलोत, जिनका निलंबन कल हुआ था, आज सदन में निलंबन बहाली होने पर दाखिल हो सकेंगे ये चारों विधायक। तो तस्वीर क्या एक बार फिर से कल जैसी देखने को मिलेगी सदन के अंदर, क्योंकि हालात वैसे ही बनते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। चार विधायकों का निलंबन जो है उससे भी नाराजगी है बीजेपी में। और वहीं दूसरी तरफ आज क्या विधायकों की बहाली होगी, क्योंकि जब तक बहाली नहीं होगी तब तक सदन में दाखिल जो है वो चारों विधायक नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो कल हमने विरोध की तस्वीरें देखी हैं विपक्ष के द्वारा सदन के अंदर, वो तस्वीर क्या आज एक बार फिर से देखने को मिलेगी? भरत हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। भरत, क्या अपडेट है अभी? भरत, आवाज आ रही है आपको? जी सुमित, शशि मोहन बोल रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज़ जी सर, बताइए शशि, अभी अपडेट क्या है, क्या बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति बन रही है। जो विधायक कल सदन की बैठक से निलंबित किए गए थे, जिनमें रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, चंद्रभान सिंह और अविनाश गहलोत शामिल है, वो भी पहुंचे हैं और नापक्ष लॉबी तक इनको अनुमति देने की बात कही गई थी। सदन के भीतर ये तभी दाखिल हो पाएंगे जब इनका निलंबन बहाल हो जाएगा जी। अभी विधायक दल की बैठक नापक्ष लॉबी में चल रही है, उसमें आगे की रणनीति बन रही है, लेकिन जो बीजेपी के सूत्रों से पता लगा है वो यही कि रणनीति यही सदन में नेताओं के निलंबन बहाली होने तक बीजेपी के नेता संभवतः शांति बनाए रखेंगे, क्योंकि वो स्पीकर को पहचानते हैं। स्पीकर बड़े सख्त हैं नियम कायदों के मामले में। अगर पहले से ही हंगामा किया गया, हंगामा नहीं होगा लेकिन ये जरूर है कि तख्तियां लेकर के फिर एक बार दिखाई जा सकती हैं, तख्तियां लेकर के बैठ सकते हैं वो, और सीबीआई जांच की मांग रीट की कराने के जो नारे लिखी हुई तख्तियां इतने दिन से दिखा रहे हैं, दो दिन से बीजेपी के विधायक, वो आज भी प्रक्रिया उनकी जारी रह सकती है, लेकिन पहले उनका फोकस होगा कि चारों विधायकों का निलंबन बहाल कराया जाए जी। और जो हमने तस्वीरें अब तक देखी हैं यहाँ पर शशि, निलंबन को लेकर तो लगातार जो है वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या जो तस्वीरें हमने कल सदन के अंदर देखी वो एक बार फिर से दिखेंगी? देखिए, तस्वीरें तो वही फिर से दिखने की आशंका बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, विपक्ष चाहता है कि सीबीआई जांच हो रीट की, सरकार कह रही है कि सरकार ने एसओजी को जांच दे दी, तो ऐसी सूरत में कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि कल एक प्रश्न था, रोचक था प्रश्न, आपने भी ध्यान दिया होगा, बलजीत यादव का सवाल था और उस पर मंत्री शांति धारीवाल का जवाब था। उन्होंने ये कहा कि पिछले तीन साल में आठ परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, 85 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उससे पहले की सरकार में, पिछली सरकार में भी पर्चे लीक हुए, लेकिन ना तो एसओजी को जांच दी गई, ना कोई बड़ा एक्शन हुआ और ना ही सीबीआई को जांच दी गई। यह सिर्फ ये दर्शाने के लिए कहा गया सदन में, ये मोरल प्रेशर बनाने के लिए कहा गया कि जिससे बीजेपी के लोग सीबीआई जांच की मांग ना करें या उसे ठंडे बस्ते में डाल दें। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी ट्वीट आपको ध्यान होगा, अलग अलग राज्यों में जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, स्थगित हुई हैं, उनको लेकर के उन्होंने जिक्र किया था कि सीबीआई में किसी की भी जांच नहीं दी गई है। तो सरकार की तरफ से भी अब यही स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि राज्य में जो परीक्षाएं होती है उनकी जाँच का दायरा राज्य की एजेंसी को होता है और राजस्थान सरकार ने भी एसओजी को इसी नाते जाँच दे रखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। उधर